नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों AK-203 असॉल्ट राइफल के बारे में। यहाँ पे दोस्तों रशियन टीम आ गई है इंडिया और बोलती है भैया जो इंडियन आर्मी है उनके टेक्निशियन को हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे कि AK-203 असॉल्ट राइफल्स को कैसे चलाना है, रिपेयर कैसे करना है, उसका मेंटेनेंस बराबर कैसे करके रखना है, सारी चीजें सिखाएंगे। अच्छी बात है सर, आप इमेज में देख सकते हो पूरा ग्रुप यहाँ पे तैनात है और ये है हमारा AK-203 असॉल्ट राइफल। चलिए दोस्तों प्यूरो न्यूज को समझते हैं डिटेल में। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता होगा ट्रेनिंग कमांड जो वो कंडक्ट कर रहा है कि भैया हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस ट्रेनिंग देंगे हमारे टेक्निशियन को। किसके लिए सर? AK-203 असॉल्ट राइफल को। और ये ट्रेनिंग कहाँ पे हो रही है दोस्तों? ये ट्रेनिंग हुई कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कूल जो क्या है वडोदरा गुजरात में है। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई साहब, तीनों हमारे आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों आए यहाँ पे, नॉलेज को स्कूल को स्किल्स को क्या किया, जो नेसेसरी नॉलेज और स्किल है उसको मेंटेन किया गया, शेयर किया गया कि किस तरह से AK-203 को इफेक्टिवली हम लोग क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। अब यहाँ पे यह भी ध्यान में दिया गया कि जो वेपन है उसके ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को और रिलायबिलिटी को भी ध्यान में रखा गया कि भैया इस पे कितना हम भरोसा कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे बोलते हैं ना, अब ये जो मैं बात कर लेता हूं इस राइफल की जिसका नाम क्या है AK-203, तो इसको बोलते हैं ना इंडिया और रशियन हम दोनों मिलकर के बना रहे हैं, ये मेड इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है। देखिए इसमें हम लोग 7,70,000 ऐसे AK-203 असॉल्ट राइफल्स बनाने वाले हैं, उसमें से तो 1,00,000 जो राइफल था वो डायरेक्ट हमने क्या किया था, रशिया से मंगा लिया था और बाकी का जो है ना बोलते हैं वो इंडिया में बन रहा है। तो अभी राइट नाउ ऐसा बताया जा रहा है कि जो 25% इसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगाए जा रहे हैं वो भारत के अंदर बने हुए सामान इसके अंदर लगाए जा रहे हैं और आने वाले ऐसा बताया कि 25-26 के एंडिंग तक ये 25 से कितना हो जाएगा, 70% जो सामान इस राइफल को बनाने में लगेगा वो भारत के अंदर बनेगा। और ये भी बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 3 से 4 लाख तो राइफल जो है वो 100% मेक इन इंडिया के तहत बनाई जाएगी, मतलब कोई भी सामान बाहर से नहीं मंगाएंगे, पूरा का पूरा इस गन को बना इस राइफल को बनाने में जितना भी सामान लगेगा वो सब का सब भारत के अंदर बनाया जाएगा। दोस्तों आई होप सो ये पूरा आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखने की चीज और मिल रहा है कि जो कोलोबरेशन किया गया है किसका भाई साहब, रशियन टीम्स का और इंडियन टीम्स का, उसमें क्या करेंगे एक कॉम्प्रेहेंसिव नॉलेज ट्रांसफर होगा और ये इंश्योर करेंगे कि भैया जो हमारे टेक्नीशियन उनको अच्छा नॉलेज प्राप्त करें कि जिस तरह से बोलते हैं राइफल के मैकेनिज्म और मेंटेनेंस को समझ पाए और इसको बहुत अच्छे से ऑपरेट कर पाए। तो आई होप सो दोस्तों आप ये पूरा माजरा समझ गए होंगे। अगर आप पूरा माजरा समझ चुके, आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।